आज हम बात करेंगे स्विच बोर्ड का वायरिंग बारे मॉडल का। स्विच बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं? हर गया भाई, सॉकेट के सप्लाई देने के लिए ऐसे वायर को लूप करते हैं। इसको एक वायर से हमने शॉर्ट कर दिया है, हमने प्रॉपर इनपुट का वायरिंग कर दिया है। इसको फेस से हमने शॉर्ट कर दिया है। ये सब पंखा भी अपना लाइन से चलेगा। ये स्विच है, ये इसको इन्वर्टर से रखे हुए। इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर का भी नीडो जोड़ है, जोड़ेंगे तो यहाँ से सब आप लोग को दिखाएंगे हम अभी। हम लोग इसको न्यूट्रल माने हैं, ग्लू को, ठीक है। इसको यहाँ पे न्यूट्रल की जगह पर लिखा है उस पर जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ने के बाद इसको प्रेस करके टाइट कर देंगे अच्छे तरह से। देखिए हमने जो अपना 2.5 mm का ये फेस का वायर है इसको भी जोड़ते हैं। कहाँ पे जोड़ना है ये आपको बताएंगे हम। इसको जो वायर है, ये वायर है, हमने इसको शॉर्ट किया था सब स्विच से। इसको इसके साथ में ही जोड़ेंगे तभी अपना स्विच में सब में लाइट जाएगा। लाइट जाएगा तभी अपना बॉल सब जलेगा, ठीक है। और इसको ऐसे टाइट कर देंगे। ऐसे वीडियो को आपको कोई नहीं बताएगा कैसे बोर्ड कंप्लीट करते हैं। फाइनली हमने बोर्ड का वायरिंग कर लिया है। ये अपना ये न्यू क्या बोलते हैं इन्वर्टर का ऑनली फेस लेते हैं हम लोग और बॉल का पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो अपना इन्वर्टर का कंप्लीट हो गया। ये सॉकेट है, तो इसमें सॉकेट में अपना ये न्यूट्रल रहता है, एन लिखा रहता है और फिर एल लिखा रहता है। तो एल वाले जगह जो टर्मिनस है यहाँ से एक टुकड़ा वायर लेंगे, यहाँ से कनेक्शन करके और यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। तो स्विच ऑन होगा तो अपना लाइट इसमें आएगा। ये अपना हमने 2.5 mm का वायर यूज किया है, इस घर में लोड है तो, ठीक है। ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ये ब्लैक वाला इन्वर्टर है अपना। ये अपना क्या बोलते हैं रेगुलेटर का वायरिंग। एक स्विच में रहता है टर्मिनल, एक पॉइंट में रहता है। तो अपना 12 मॉडल का कंप्लीट हो गया वायरिंग। ओके दोस्तों, बाय।